बीजेपी जिहड़े स्टेट के सूबे के लोग हराउंदे ने रद्द करदे ने गे और उस तों बाद बीजेपी जिहड़ी आ उन्हां उस सूबे दे विच जाके विधायकां नूं तोड़दी आ विधायकां नूं खरीदो फरोख्त करदी आ और बड़े बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी से लगाए कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब की सरकार नूं गिराउण च लगी है। सो यही यत्न पहला ऑपरेशन लोटस के तहत पहला दिल्ली च कीता गया हुण ऑपरेशन लोटस के तहत वो पंजाब च कर रहे ने। उन्होंने कुछ MLAs नूं खरीद रही है, ऑपरेशन लोटस चला रही है। लगभग 800 करोड़ तो उपर रुपया जो उन्होंने पहला दिल्ली से जोड़ा है इनवैसट करने की कोशिश की, हूँ 1200-1400 करोड़ जो पंजाब करने की कोशिश की। मैं समझता कि इस सारी बयानबाजी करने का उद्देश्य यह है कि कितने ना कितने आम आदमी पार्टी के अंदर एक बड़ी फुट हो गई है। मैं पूछना चाहता कि लगभग 2100 करोड़ रुपया का वो बीजेपी ने कितने लुका के रखा गया। सो बीजेपी जी वो दलालों के जरिए अपने आदमी के जरिए ये कोशिश कर रही है पर लेकिन सफल नहीं हो रही। और चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत है, केजरीवाल और भगवंत मान की जी लड़ाई से अंदरूनी चल रही है कितने ना कितने सत्ता से आगे लगती है और वो लड़ाई बहुत तेज होएगी और हो सकता आने वाले समय की एक वड्डी बंटवारा आम आदमी पार्टी से देखने मिले। इस सारे तो ध्यान हटाना और इल्जाम बीजेपी से लगा लिया अभी सारी बयानबाजी दिख रही है। बिल्कुल बीजेपी जी वो आदतन बीजेपी जी आदतन ये काम करती है। बीजेपी की आदत आ बीजेपी जिहड़े स्टेट के सूबे के लोग हराउंदे ने रद्द करदे ने गे और उस तों बाद बीजेपी जिहड़ी आ उन्हां उस सूबे दे विच जाके विधायकां नूं तोड़दी आ विधायकां नूं खरीदो फरोख्त करदी आ। सो यही यतन पहला ऑपरेशन लोटस के तहत पहला दिल्ली च कीता गया हुण ऑपरेशन लोटस के तहत वो पंजाब च कर रहे हैं। लगभग 800 करोड़ तो उपर रुपया जिहड़ा उन्होंने पहला दिल्ली च जिहड़ा हैगा इनवैसट करन की कोशिश की, हुण 1200-1400 करोड़ जिहड़ा पंजाब च करन की कोशिश की आ। मैं पूछना चाहता कि जो लगभग 2100-2200 करोड़ रुपया गा वो बीजेपी ने कितने लुका के रखा गया। सो बीजेपी जी वो दलालों के जरिए अपने आदमियों के जरिए ये कोशिश कर रही है पर लेकिन सफल नहीं होंगे। अज आम आदमी पार्टी के मंत्री हरपाल चीमा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़े बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी से लगाए कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब की सरकार को गिराने च लगी है, उन्होंने कुछ MLAs खरीद रही है, ऑपरेशन लोटस चला रही है। मैं समझदा कि इस सारी बयानबाजी करन दा उद्देश यह है कि किते ना किते आम आदमी पार्टी दे अंदर एक वड्डी फुट हो गई है और चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत है, केजरीवाल और भगवंत मान की जिहड़ी लड़ाई सी अंदरूनी चल रही है किते ना किते सत्ता ते आ गई लगती है और वो लड़ाई होर तेज होएगी और हो सकता आने वाले समय च एक वड्डी बंटवारा आम आदमी पार्टी च देखने नूं मिले। इस सारे तो ध्यान हटाने लई और इहदा इल्जाम बीजेपी ते लगाने लई अज दी सारी बयानबाजी दिख रही है। ऐसे समय जदों मुख्यमंत्री साहब विदेश च होण उन्हां दा मंत्री इस प्रकार की बयानबाजी करे तो किते ना किते लगता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सो मेरी बेनती है चीमा साहब नूं कि वह केजरीवाल साहब नूं समझाउण कि वह पंजाब च बेलोड़ी दखलअंदाजी बंद करन, राघव चड्डे नूं नत्थ पाण ता कि उन्हां दी पार्टी फुटबॉल ना वध सके और इस तरह के बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी ते लगाना बंद करन। असीं इन्हां सारे आरोपां नूं सिरे तो खारज करदे हां। आम आदमी पार्टी दी जिहड़ी सरकार है वह तो अपने बोझ थले दबी हुई है, जनता का कोई वादा पूरा नहीं कर पा रहे, नॉन परफॉर्मिंग गौरमेंट है, इस करके ऐसी सरकार अपने ही बोझ ना डिगेगी तो डिगेगी, बीजेपी का इहदे च कोई रोल नहीं है। बिल्कुल बीजेपी जी आदतन बीजेपी जी आदतन ये काम करती है। बीजेपी की आदत आ बीजेपी जिहड़े स्टेट के सूबे के लोग हराउंदे ने रद्द करदे ने गे और उस तों बाद बीजेपी जी उन्हां उस सूबे के विच जाके विधायकों नूं तोड़दी आ विधायकों नूं खरीदो फरोख्त करती आ। सो यही यतन पहला ऑपरेशन लोटस के तहत पहला दिल्ली च कीता गया हुण ऑपरेशन लोटस के तहत वो पंजाब च कर रहे हैं। लगभग 800 करोड़ तो उपर रुपया जो उन्होंने पहला दिल्ली जोड़ा है इनवैसट करने की कोशिश की, हूँ 1200-1400 करोड़ जो पंजाब च करने की कोशिश की आ। मैं पूछना चाहता कि जो लगभग 2100-2200 करोड़ रुपया गा वो बीजेपी ने कितने लुका के रखा गया। सो बीजेपी जी वो दलालों के जरिए अपने आदमियों के जरिए ये कोशिश कर रही है पर लेकिन सफल नहीं होंगे। अज आम आदमी पार्टी के मंत्री हरपाल चीमा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़े बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी से लगाए कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब की सरकार को गिराने लगी है, उन्होंने कुछ MLAs खरीद रही है, ऑपरेशन लोटस चला रही है। मैं समझदा कि इस सारी बयानबाजी करने का उद्देश्य यह है
कि कितने ना कितने आम आदमी पार्टी के अंदर एक बड़ी फुट हो गई है। और चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत है, केजरीवाल और भगवंत मान की जिहड़ी लड़ाई सी अंदरूनी चल रही, वो कितने ना कितने सत्ता ते आ गई लगती है और वो लड़ाई होर तेज होएगी और हो सकता आने वाले समय च एक वड्डी बंटवारा आम आदमी पार्टी च देखने को मिले। इस सारे तो ध्यान हटाने लई और इल्जाम बीजेपी ते लगाने लई अज दी सारी बयानबाजी दिख रही है। ऐसे समय जो मुख्यमंत्री साहब विदेश चोन उन्हों का मंत्री इस प्रकार की बयानबाजी करे तो कितने ना कितने लगता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सो मेरी बेनती है चीमा साहब न कि वह केजरीवाल साहब न समझा कि वह पंजाब च बेलोड़ी दखलअंदाजी बंद कर, राघव चड्डे नत्थ पाँ ताकि उन्हों की पार्टी फुटबॉल ना वस सके और इस तरह के बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी से लगाना बंद कर। असी इन्ह सारे आरोपों सिरे तो खारज करते हैं। आम आदमी पार्टी की जिहड़ी सरकार है वो तो अपने बोझ थले दबी हुई है, जनता का कोई वादा पूरा नहीं कर पा रहे, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। इस करके ऐसी सरकार अपने ही बोझ ना डिगेगी तो डिगेगी, बीजेपी का ये कोई रोल नहीं है।